नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। मैं हूँ अरुंधति और आप देख रहे हैं गार्डनिंग विद अरुंधति। दोस्तों यहाँ देखिए मेरे जरबरा फ्लावर खिले हैं, कितनी खूबसूरत लग रहे हैं। ये येलो कलर का जरबरा है और आज का टॉपिक है जरबरा प्लांट। तो इसकी केयर हम कैसे ले सकते हैं और कैसे इनको ग्रो कर सकते हैं और विंटर में भर भर के फूल ले सकते हैं, उसके बारे में आज का टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और स्किप मत करिएगा प्लीज़। तो यहाँ पर देखिए, मैंने पिछली वीडियो में भी एक डाला है, ये प्लांट को मैंने अलग किया था ये वाले पॉट से। ये येलो कलर का जरबरा है, ये देखिए इसके मैंने 3-4 पॉट किए थे। यहाँ पर ये एक कड़ुआ में लगा है और इनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर देखिए ये वाले पॉट में, और यहाँ पर एक टोरेनिया भी उगाया है और बहुत ही खूबसूरत भी लग रहा है अभी। और यहाँ पर भी कुछ अलग अलग कलर के हैं, ये देखिए यहाँ पर भी मैंने ये येलो कलर का लगाया है पॉट में, देखिए कड़ुआ में, ये देखिए छोटे से मिट्टी के पॉट में। और यहाँ पर ये पीच कलर के हैं जरबेरा, तो इन पर मैंने कोई भी खाद अभी तक अप्लाई नहीं किया है और इनकी थोड़ी सी देखभाल भी करना ज़रूरी है। अभी इनकी सूखी टहनियाँ बस मैंने हटाई है और भी हटाने हैं। तो यहाँ पर देखिए ये वाले जो प्लांट है, ये एक पॉली बैग में लगा हुआ है और बहुत ग्रोथ भी हो चुका है। और इसको मैं चाहूँ तो डिवाइड करके 3-4 पॉट बना सकती हूँ, पर मेरे पास इतने सारे पॉट्स नहीं हैं। यहाँ पर देखिए ये टूट गया है, फट गया है बिल्कुल। तो इसी को मैं आज लगाने वाली हूँ, एक पॉट देने वाली हूँ। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर ले आई हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा खुला जगह है तो यहाँ पर वीडियो मैं बनाती हूँ। तो ये वाले देखिए प्लांट को मैं ये वाले पॉट में लगाऊंगी। ये सीमेंट का पॉट है और मैंने ही जब मैंने शुरू किया था गार्डनिंग तभी मैंने ये पॉट को बनाया था अपने हाथों से ही। तो इसी में मैं आज लगाने वाली हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये बहुत बड़ा होल मैंने बना रखा है, तो इसी को मैं थोड़े से ड्रेनेज होल को कवर कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैंने मिट्टी ली है, ये मिट्टी मैंने बनाकर रखा हुआ है पहले से ही। और इसमें मिला है थोड़े से कोकोपीट, ये देखिए कोकोपीट का हिस्सा नज़र आ रहा होगा, और एप्सम सॉल्ट, थोड़ी सी बोन मील, थोड़ी सी मैंने ली है फंगीसाइड, और थोड़ी सी मैंने ली है नीम खली। तो इसको अच्छी तरह से मैंने मिलाकर रखा हुआ है, फिर भी और थोड़ी सी मिला लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से, और अभी हम ये प्लांट को लगा लेंगे। तो दोस्तों ये जो हमने पॉटिंग मिक्स तैयार किया है, ये बहुत ही अच्छा वेल्ड्रन पॉटिंग मिक्स है और इनमें खाद भी मिला लिया है। तो इससे ये जो प्लांट है, ये जो मिट्टी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस भी हो गया है। तो अभी ये प्लांट के लिए बहुत ही लाभदायक होगा, प्लांट बहुत बढ़िया से फिर ये ग्रोथ करेगा। तो ये इसके तो ये जो पॉली बैग है ये बिल्कुल फट चुका है, ये देखिए पुराना पॉली बैग है, इसलिए इस तरह से ये बिल्कुल हट गया है, ये देखिए। फिर भी ये 2 साल तक इसी पॉली बैग में रहा है और बढ़िया ग्रोथ भी है इसका। तो ये जो मिट्टी है इसको मैं थोड़ी थोड़ी हटा लेती हूँ पहले, ये देखिए बहुत पुराना मिट्टी है, तो इसको थोड़े थोड़े हटा देती हूँ। और रूट भी थोड़े थोड़े कट हो रहे हैं नीचे से, तो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है, कोई घबराने की बात नहीं है। और यहाँ से भी थोड़े थोड़े करके मैं हटा रही हूँ मिट्टी को, ताकि जब न्यू पॉट में मैं लगाऊं तो जड़ें जो हैं वो अच्छी तरह से मिट्टी को पकड़ लें, नए मिट्टी को एक्सेप्ट कर लें। ये देखिए मैंने ऊपर से थोड़ी सी 1 महीने पहले ही दिया था वर्मी कंपोस्ट और नीम खली एप्सम सॉल्ट, इस तरह से मैंने दिया था, ये देखिए
अभी मैं थोड़े से बड़े वाले पॉट में लगा रही हूँ तो चलेगा, नहीं तो फिर इसको डिवाइड करके भी मैं लगा सकती थी। ये देखिए इस तरह से, देखिए बिल्कुल न्यू ग्रोथ भी स्टार्ट हो रही हैं यहाँ से, और जो पुराने लीव्स हैं इनको बस हटा देना है। ये देखिए, तो इस तरह से ये प्लांट को आप देखिए कितना हेल्दी है बिल्कुल। और बस स्नेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं मेरे गार्डन में, इसलिए ये स्नेल्स ही थोड़े ख़राब कर रहे हैं प्लांट को, यहाँ पर लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये स्नेल्स, दो स्नेल निकले हैं प्लांट में से, तो यही बस ख़राब करते हैं प्लांट को और क्या। ये देखिए, तो रूट बॉल को और मैं डिस्टर्ब नहीं करूँगी। ये देखिए बहुत बढ़िया अभी प्लांट है, और इसको मैं बस इसी तरह से यहाँ पर प्लेस कर दूँगी। थोड़े से और हटा देती हूँ क्योंकि ये सेलो पॉट है, ज़्यादा गहरा नहीं है, और ये जरबरा के जो प्लांट होते हैं इनको सेलो पॉट ही चाहिए होता है, मतलब चौड़ाई ज़्यादा होना चाहिए। ये देखिए, ये देखिए, अभी ये बिल्कुल फिट हो गया है, बिल्कुल फिट हो गया है। तो इसमें हमने ये जो मिट्टी बनाकर रखा है इसको हम लगा देंगे। पहले इससे थोड़े से ये जो लीव्स हैं, ख़राब लीव्स, इनको कट करके निकाल देती हूँ मैं। ये देखिए, छोटे छोटे ही थोड़े थोड़े लीव को, ये साइड वाले जो लीव्स होते हैं इनको हटा देती हूँ। ये देखिए, इससे क्या होगा कि आप जब प्लांट में खाद देंगे तो अच्छी तरह से आप दे सकते हैं। और अभी मैं प्लांट को लगाने वाली हूँ तो मुझे बिल्कुल दिखेगा कि ये प्लांट सेंटर में प्लेस है या नहीं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा लीफ होते हैं तो वो ख़राब भी हो जाते हैं, तो मिट्टी को टच नहीं करने चाहिए ये लीव्स। मिट्टी को टच करते हैं तो बहुत ज़्यादा फंगस हो जाते हैं इनमें, फंगस से ही ये प्लांट ख़राब होता है। हालांकि ये जो प्लांट है मेरे देसी वैरायटी का है, देसी वैरायटी थोड़े हार्डी वैरायटी के होते हैं, हार्डी प्लांट होते हैं, तो ये अच्छी तरह से फिर ग्रो करते हैं। नहीं तो जो हाइब्रिड वाले वैरायटी होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा केयर डिमांड करते हैं। इस तरह से मैंने ये जो पुराने लीव्स थे, थोड़े से स्पॉट्स आ गए थे लीव्स में, तो उनको मैंने हटा दिया है। सूखे हुए लीव्स को भी हटा देना चाहिए, और इस तरह से मिट्टी को हम भर देंगे। ये देखिए दोस्तों, ये प्लांट अभी कितना प्यारा लग रहा है, पॉली बैग में लगा हुआ था 2 साल से, तो ये देखिए इसको आप अभी इस तरह से लगा सकते हैं। और आप अगर चाहते हैं तो डिवाइड करके बहुत सारे प्लांट्स भी बना सकते हैं। एक बार इसको अगर आप ले आते हैं तो बहुत ज़्यादा प्लांट्स हो जाते हैं आपके गार्डन में, और फ्री के प्लांट्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, तो आप फ्री के प्लांट्स बना सकते हैं। और फ्रेंड्स सर्कल में भी आप इसको गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही प्यारा प्लांट होता है। तो दोस्तों, ये इसी तरह से मैंने ये प्लांट को लगा लिया है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है। और अभी इसमें बहुत बढ़िया से फिर फ्लावरिंग होगी, और 15 दिन में एक बार इंसेक्टिसाइड्स का कोई भी इमिडाक्लोरोपिड हो या फिर नीम ऑयल और नीम ऑयल का स्प्रे इस तरह से करेंगे तो इसमें फंगस नहीं लगेंगे और प्लांट हेल्दी रहेगा और इनमें फ्लावरिंग भी बहुत अच्छी तरह से होगी। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। पसंद आने पर दोस्तों लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल आइकन के साथ, ताकि मेरे हर आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फिर किसी नए टॉपिक के साथ नई वीडियो के संग आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।